चाचा जी, ताऊ जी, मेरे फादर, उन लोगों ने बढ़िया सर्विस के, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, आज भी प्रेजेंट में दो तीन लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी रिटायरमेंट आ गए हैं तकरीबन 7 साल पहले, अच्छी सैलरी थी, बढ़िया काम था, मन से पढ़ाई करी। पढ़ाई खत्म करने के बाद मेरे फादर ने, मेरे परिवार वालों ने एक ही बात कही कि अपनी नौकरी कर ले। मैंने कहा मेरे को नौकरी नहीं करना, मेरे को बिजनेस करना है। और मेरे को शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने देखा था नौकरी वाले को, 1 तारीख को आदमी अमीर होता है, 30 तारीख को आदमी गरीब हो जाता है। बुरा मत मानना कोई बैठा होता है, 1 तारीख को अमीर, 30 तारीख को गरीब, और ये चक्कर चल रहा था, ये सिस्टम बन रहा था, ये राउंड मैं 24 घंटे देखता था। 1 तारीख को आया, जेब गर्म हो गई, जेब फूल गई, इंसान का चलने का साइज बदल जाता। बताओ क्यों? 1 तारीख है ना, 1 तारीख, 15 तारीख आई, सारा कैसा बिलों में, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, किराने का बिल, फीस का बिल, हाँ या ना? सारी कमाई बिलों में चली जाती है, वो चूहे वाला बिल नहीं, दूसरा बिल, सारी कमाई बिलों में चली गई। अब 1 तारीख 1 तारीख 15 तारीख, उसके बाद 20 तारीख आया, 20 तारीख के बाद 80% पैसा चला जाता है। लेकिन 25 तारीख तक आते आते एक इंसान बड़ी मुश्किल से 1000 या 500 का नोट ब्रश में दबा के रखता, कहीं खर्च ना हो जाए। कड़वी सच्चाई है, ये सुनो। और कोई भी इंसान पैसा मांगता है तो एक ही बात, एक ही सवाल, एक ही आंसर निकलता है। अब आइए 1 तारीख, मैडम भी मांगती है 1000 रुपए चाहिए, रुको भगवान, अब 1 तारीख आई, 5 दिन बाद 1 तारीख, 1 तारीख, और वो 1 तारीख, आज तक 1 तारीख नहीं है। मैं उसको समझ नहीं पाया, लाइफ स्टाइल था, भले मेरे पिताजी 60-70 हजार रुपए ले रहे थे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी सरकारी थी, गवर्नमेंट जॉब थी, उसके बाद भी वही 1 तारीख। जैसा आपकी नौकरी, जैसा आपके पास पैसा आता है, उसी तरह का स्टेटस आप मेंटेन करते हो, हाँ या ना? उसी तरह की लाइफ स्टाइल आपके पास होने लगती है, चलने लगती है। 5000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी गुजारा करता है 5000 रुपए में, और 50000 कमाने वाला भी उसके हिसाब से ही अपना काम चलाता है, ये सुनो। मेरा जन्म दिल्ली भारत नगर में हुआ, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे, 485 रुपए मेरे पिताजी की पहली इनकम थी। 1978 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 1978 में भारत नगर में मेरा जन्म हुआ, एक किराए के मकान में हम रहते थे। मैं एक बार चाहूंगा आपको थोड़ा स्पीक दिखाना, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. क्लियर है? Yes. वॉइस क्लियर आ रही है? Yes. ओके, ऐसे मत बैठो यार, कुछ लोग बैठे पहली बार आए, ऐसा ही होता है, पर आज बहुत सारी चीज आपके साथ क्लियर करूंगा। एक बार मैं चाहूंगा, जो कि आज आपके बीच में आया हूं, तो मैं दिनेश कदम और पूरी एंटायर टीम का, जिन्होंने आज मेरे को मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का, स्वयंपुर में चाहूंगा, इन सबके लिए, छोटे छोटे मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, मैं इनको बड़ा प्यार करता हूँ, एक बार दिल खोल के ताली बजा दे इन लोगों के लिए। और ऐसी बजानी बजाएंगे आगे से, इसका भी बताऊंगा कारण इस ट्रेनिंग के बाद। अब क्या हुआ, पिताजी सरकारी नौकरी में 485 रुपए पहली सैलरी, किराए का मकान, घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, नवाब पटौदी, पटौदी मेरा शहर है, जिसमें मैंने मेरा गांव कतर गांव मैंने बताया आपको, सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, आप लोगों ने नाम सुना होगा खूब फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, हाँ ये सुनो। उसके महल से तकरीबन 1 किलोमीटर मेरा घर है, जहां वो रहते हैं, आजकल तो बढ़िया 5 स्टार से 3 स्टार शायद होटल बना दिया उन लोगों ने, तो वहां मेरा पैतृक होम टाउन है, लेकिन मैंने दिल्ली में जन्म लिया। ये किराए के मकान में जो मैं रहते थे, मेरी अम्मा से भी ज्यादा बढ़ के प्यार किया इस दुनिया में नहीं है, और ये संजय यादव है, छोटा सा बच्चा आप प्यार के सामने खड़ा है। लेकिन मैं चाहूंगा, हाँ, 2-4 कुछ फोटो, मेरी अम्मा साथ में, मेरा फ्रेंड है, वापिस करना एक भाई, एक थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा, वापिस आ जाना एक, हाँ वापिस, चलो नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट, और सारे उसमें फोटो। अब मैंने डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बंद कर दे। जब दिल्ली जन्म हुआ तो 3 साल के बाद गांव भेज दिया गया, जब गांव भेजा तो गांव जाने के बाद 5 साल का हुआ, सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, 15 पैसे की फीस होती थी, 15 पैसे की फीस में पढ़ाई स्टार्ट करी। पुराना टाइम था, जमाना अलग था उस जमाने में, आज के जमाने में बड़ा बदलाव आ गया है, और पुराने टाइम में चप्पल भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब निक्कर भी मिलने में बड़ी दिक्कत आती थी,
सरकारी स्कूल, बहुत सारे लोगों ने तख्ती लिखी होगी, कितने लोगों ने तख्ती लिखी है, तख्ती ओके, बहुत सारे लोग मेरे वाले बैठे, स्लेट भी लिखी है, स्लेट लिखी है, और स्लेट जब लिखते थे उसके बाद जब मिटाना होता था तो मेरा जैसा कष्ट साथ रखता था और ये सारी चीज जो तख्ती लिखी, स्लेट लिखी, धोती कुर्ते का जमाना गांव में रहना, मेरी अम्मा 4 बजे उठकर कुएं का पानी लेके आती थी, सर पे 2-2, 3-3 मटके रखकर, मेरी दादी अम्मा 4:30-4 बजे उठकर, अलार्म भी नहीं होता था, घड़ी भी नहीं होती थी, लालटेन की रोशनी थी, कच्चे मकान थे, लाइट नहीं थी, उस जमाने में सुबह उठकर चक्की फ्रेश आटा गूंथती पीसती थी, वो टाइम मैंने देखा है। चाचा जी के साथ मैं जब पढ़ाई करता था तो अपने को लाइट मिले नहीं थी, हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, मैं बता रहा हूं आपको तकरीबन 40 साल पहले। अब जब उस जमाने में लाइट ही नहीं, आज का टाइम बदल गया, वो जमाना आज के टाइम में आप देखियो, खेल भी बदल गए, पहनावा भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। ये सुनो आया ना, बाल कटवाने जाते थे, उसके पास आप क्या बोलते हो बार-बार के पास, तो क्या होता था 5 रुपए में बाल काट देता, आया ना, मेरे तो कढ़ाई नहीं, खेती बड़ी मुश्किल से संभाल रखी, और दिनेश कदम ने ऊपर से ये रंग बिरंगे ये लगा दिए, ये ऊपर चमक ही रहे, ठीक है, तो क्या होता था जी 5 रुपए में बाल कटे, आज के टाइम में 5 रुपए में बाल नहीं करते, आज के टाइम में 500 रुपए में बाल करते, आए ना, देखिए 500 रुपए, भाई सब जमाना बदल गया, समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, और आज आप यहाँ पे आए हो तो आज क्यों बैठे हो, आपने 150-200 रुपए का चालान कटवाया है, तो ऐसा कौन सा कारण है जिस बात आप यहाँ पे कुछ समझ के जाएंगे, सुन के जाएंगे, और आप किसी एक व्यक्ति के साथ आए, किसी के भी साथ आए, बात बोलोगे आप, सर मेरे को जरूरत क्या है, मैं क्यों आया बताऊंगा मैं, एक चीज जमाना बदल रहा है समझिए, 500 रुपए में बाल करते हैं, पार्लर में एक बच्चा जाता है और जाने के बाद बाहर से 1.5 घंटे के बाद वापिस आता है, वापिस आने के बाद उसके बाल कैसे होते हैं भाई साहब, ये चंदर काम होता है, चंदर काम होता चंदर काम सीधे आता उसमें नाम था ना क्रूज यप्पू, बाल खड़े होते ऐसे बाहर निकल गया, मैंने देखा कमाल में क्या कर रहा है, उसने कहा भाई साहब 500 रुपए दिए, 500 रुपए देने के बाद क्या हुआ, करोड़ सिंह बन के आया, 500 रुपए देने के बाद इधर मगरमच्छ इधर मच्छर बनवा के आया, देख लिया 500 रुपए देने के बाद आया ना, 500 रुपए दे रहा है, उसके बाद उसका लाइफ स्टाइल बनाए के बाद ऐसे कर दी, जैसे मैंने कहा बिल्कुल भाई, मैंने कहा बूढ़ा हो गया, मैंने कहा बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा होगा तू, ये स्टाइल है, ऐसा कलर कर दिया, मैंने कहा भाई साहब मैं तो काला करने के लिए कलर करता हूँ, सफेद करने के लिए, समझिए आज के टाइम में बच्चे, और भाई साहब वो छत सी खड़ी रहती है इधर, मैंने कहा क्या है, सुने का बढ़िया वाली बनाई है, और भाई जाके उतारेगा इसको, नहीं नहीं वो तो नहीं है, देख रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, आजकल हो रहा नहीं हो रहा है, आया ना, ये जमाना आ गया है, एक पैंट पहन रहा मैं देखा हूँ पैंट, पानी देने जाते थे खेत में, बिल्कुल ठीक है, गांव में जब पढ़ते थे जब पीछे पैंट फट जाती थी तो गांव में वो लगाते थे क्या चेपी, आप क्या बोलते हो दिल्ली में, जो भी बोलते हो, अब मेरी पैंट फटी दादी ने लगाई, अब आप लोग बोलते थे गरीब आदमी, गरीब परिवार से होगा, आज के टाइम में भाई साहब क्या होता है, आज के टाइम में थेटे नहीं, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ मॉल में लोग जाते हैं पैंट खरीद रहे हैं, पैंट खरीद रहे, पैंट खरीदने के बाद फटी पैंट खरीद रहे, कौन सी पैंट खरीद रही है, एक बात बोलते हैं कीमत कितनी 6,200, मैंने कहा यहां से पड़ी, उसने कहा फैशन अंकल जी क्या पता आपको, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है फैशन तो हमारे जाता है, मेरे का फट गई, समझिए क्यों बता रहा हूं, फटी पैंट पहनते और पैंट भी यहां तक ही पहनते, बाकी मैं ऊपर नहीं कहूंगा
और उस पैंट के धागे निकल रहे, धागे जींस की पैंट के, देख रहे हो आप झालर क्या। आज के टाइम में, पुराने टाइम में जमाना बदला है ना। अरे कपड़े ऐसे पहनते थे, घूंघट में रहते थे लोग, आज के टाइम में कपड़े का साइज छोटा होता चला गया है। पता नहीं 5 साल के बाद क्या होने वाला है। वो टाइम था जी, किसी ने चाउमीन बर्गर पिज्जा नहीं खाया, मेरे दादाजी ऊपर चले गए, उनसे फोन करके पूछा दादा गोलगप्पे खाए थे, खाए गए गोलगप्पे, व्हाट इज गोलगप्पे यार। अरे दूध राबड़ी खाया, छाछ पी, बढ़िया मस्त रहते थे। आज के टाइम में चाउमीन बर्गर पिज्जा पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद सुबह निकलते हैं शाम तक रहते हैं। और आप बोले, बोला जाता है अक्सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, मेरे को जरूरत क्या है। आज सारी चीज आपके साथ क्लियर करूंगा, मत इलाव कुछ नहीं होगा इससे, अब और ज्यादा लगेगी गर्मी आप लोगों को। गर्मी तो मेरे को लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी भी फैल हो गया, आप लोग है, आप लोग जोशी में लोग है, और दिनेश कदम की टीम बाबा सिंह जी कहने लगे सर लाइन लगी है सुबह 9 बजे से। मैंने कहा कि दिनेश बोले सर दूसरे सेशन में और लाइन लगी है। मैंने कहा यार ये भी टाइम, तो मैं बात कर रहा था अपनी बारे में बता रहा था, वो टाइम था जिस जमाने में पढ़ाई शुरू करी, सब कुछ साथ हुआ, ये सारी चीज हुई, उस जमाने में पढ़ाई करी, ABCD सीखने में 6 साल लग गए, 6ठी क्लास में आए। आप तो पहले बच्चा पहली क्लास में आते हैं, हाँ ए फॉर एप्पल, ए पापा, यस ओर नो, वो टाइम था जी। उस टाइम के हिसाब से अपने आप को 20 साल पहले इस लाइन में आने का मौका मिला। आज 19 साल से डायरेक्ट सेलिंग में लगातार काम कर रहा हूं। जब 20 साल का था, 19 साल का था तो शादी कर दी, 19 साल का शादी कर दी, पढ़ाई हो रही थी, जब लोगों ने कहा अच्छा, घर वालों ने कहा मेरे एक मामा है, दूर का मामा, लेकिन मामा नहीं मेरा प्यारा मामा, कौन सा मामा है, हाँ मैं नहीं कहूंगा, मामा मेरे मामा ने शादी कराई, कॉलेज में जाएगा लोटा बिगड़ जाएगा। मैंने कहा ओके स्कूल में पढ़ लूंगा, कॉलेज रहने देंगे, शादी कर दो। मैडम आई, पहला साल भाई साहब बड़ी खुशी खुशी, मेरी मैडम मेरे को चंद्रमुखी लगती थी पहले साल में, और चंद्रमुखी में कुछ बोला तो थी नहीं। एक साल बड़ा आराम से बीता, लगा फक्कड़ आदमी था मैं तो यार, कुछ कमाता था नहीं, समझ में आया। अब क्या था, पहली साल शादी करने के बाद कुछ नहीं, चंद्रमुखी, मैंने कहा मेरी जैसी वाइफ किसी की नहीं भाई साहब, गजब। दूसरा साल थोड़ा सा मुंह खुलने लगा, हेलो ये चाहिए, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक ही डायलॉग पुराना पैटर्न, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ये ऐसा था नहीं। दूसरा साल मुंह खुलने लगा, दिमाग पढ़ने लगी, मेरे को ये भी चाहिए, एक साल तो बोले नहीं, दूसरे साल चंद्रमुखी से कन्वर्ट होगी सूरजमुखी, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद तीसरे साल क्या होना था देख रहे हो आप, 3 साल के बाद बात होगी, एक ही बात, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास, उसने कहा झूठ बोले ना सोंगे। मैंने कहा फिट बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कौवा काटे की सांप जैसे, जो है ही नहीं तो करे क्या। तीसरे साल में रूप ले लिया जी ज्वालामुखी, और ये होता है देखो, बुरा मत मानना बैठे है, एक इंसान जब कुछ कमाता नहीं है तो क्या होगा। मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली, काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा बता दूं, थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, इंश्योरेंस की एजेंसी ली मैंने, लाइफ इंश्योरेंस, और मैं उसमें काम करना स्टार्ट किया, बिजनेस करना चाहता था, नौकरी करना नहीं चाहता था, फैमिली ने बड़ा जोर दिया, मेरे छोटे भाई वकील साहब है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, 18 साल से लगातार गुड़गांव के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब मैं इंश्योरेंस कर रहा था, तो इंश्योरेंस के दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, और इसमें काम करने का मौका आज आपके पास स्टार्टिंग है इसकी। तो मैंने उसके 98 के अंदर मेरे को मीटिंग दिखाई गई दिल्ली के अंदर, और जब दिल्ली में मैंने ऑडिटोरियम में जाकर मीटिंग तालकटोरा में गया, मीटिंग देखी, मीटिंग देखने के बाद एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर आया, गर्मी का महीना, जून का महीना, बुरा हाल था, पसीने हो रखे थे, कोट पहन रखा था, मैंने कहा बड़ा पागल आदमी, लेकिन जो भी व्यक्ति मेरे को लेके गया था, उस व्यक्ति ने कहा संजय जी आप मीटिंग देखिए, मेरे पास पैसा भी नहीं था, रियली बताता हूं आपको, पैसे की फीस भी तकरीबन 2,100 रुपए थी। मैंने कहा इतना पैसा कहां से लेके आऊंगा, कमाता था नहीं, इंश्योरेंस में काम स्टार्ट किया था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कैसे भी कीजिए, पैसे का जुगाड़ तो आपने करना पड़ेगा, टिकट तो आपने लेनी पड़ेगी, हाँ समझ में नहीं आया तो मैं आपको पैसा डबल देने को तैयार हूं। मैंने कहा चलो यार ये भी ठीक है, अगर 3-4 घंटे में पैसा डबल हो रहा है तो साला बैठ के आ जाएंगे, दिक्कत क्या है यार, बयान शुरू कर बैठा, मीटिंग अटेंड करी, पीछे बैठा था जी, इसी हाल में था,
इसी तरह का एक हॉल में बैठा, कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा, बात सुननी नहीं थी, कभी खुजा रहा हूँ ऐसे, कभी ऐसे खुजली हो रही है, मोबाइल तो थे नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक चेक करता हूँ जमाने में तो, लेकिन कभी हाँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त को क्या क्या दिखा रहा, अगर मैंने हंसा, अगर मैंने ताली बजाई तो क्या हुआ, अभी हंस हुए सुनो तुम, इस तरीके से बात हो रही थी, उससे देखा एक घंटे के बाद समझ में आया कि कॉन्सेप्ट नया है, व्यापार करने की नई टेक्नोलॉजी आई है, बिजनेस करने का नया तरीका है, हिंदुस्तान में जन्म ले रहा है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग विदेशों में अमीर बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों के चार्टर प्लेन है, चोपर है, आइलैंड खुद के, बड़ी बड़ी लग्जरी कार रेंटल कर रहे हैं, वही ड्रीमर लोगों का बिजनेस है, जो भी कॉन्सेप्ट में या पैसा नहीं लगता, कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए बिजनेस है, ये तमाम सारी बातें बताई, जब ये सारी बात बताई तो मैंने कहा बिजनेस तो बढ़िया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आने के बाद उस व्यक्ति ने कहा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए इसके एक फीस है, मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे, अब ये फीस बता रहे, बिल्कुल वैसे जीरो है, लेकिन घर का सामान लेना, आपने 6200 रुपए का प्रोडक्ट है जो आप यूज करेंगे आपको सामान मिलेगा, मैंने कहा 6200 ही नहीं है, घर पे वापिस आए 2 साल का टाइम लगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया था, कंपनी का नाम नहीं ले रहा, कॉन्सेप्ट बढ़िया था, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, 2 साल के बाद एक कंपनी हिंदुस्तान की आई, मैंने हिंदुस्तान की कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, और पहला 2000 के अंदर मेरा पहला चेक उस कंपनी से 106 रुपए का आया, 1305 रुपए उस कंपनी के पहले किट मिले मेरे को, और वो किट लेने के बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, मेरा एक 4500 रुपए का पुराना स्कूटर था, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरा पुराना स्कूटर, और ये एक ऑफिस था जब मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की, एक गत्ते का डब्बा आता था 1305 रुपए का गत्ते का डब्बा मिला, मैंने अपने परिवार की स्टार्टिंग में पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, मैंने 27 तारीख को ज्वाइनिंग करी, 3-4-5 दिन का टाइम था, 31-2 तारीख को शायद क्लोज होना था बिजनेस, 3-4 दिन के टाइम में मैंने जब अपने दोस्तों से बात करी तो सबने मना कर दिया, हम आपके बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, बगैर पैसा बगैर पूंजी लगाया आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, और जो प्रोडक्ट दे रहे हो पता नहीं किसी बंद कंपनी का प्रोडक्ट है, कोई बंद हो गई होगी कोई फैक्ट्री, वो आप प्रोडक्ट हमारे को आप ऐसे दे रहे हो, तो मैंने कहा ऐसी बात तो नहीं है, अगर नहीं समझना चाहो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे को ज्ञान कम था, नॉलेज कम थी, मेरा पहला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, मेरे को समझ में कम आया, मैंने अपने परिवार के 6 लोगों का वो किट मैंने ले ली, 1305 के हिसाब से गुना करते तो 6 लोगों की कितना पैसा हुआ, तकरीबन 7800 तकरीबन 8000 रुपए के आसपास चला गया, और 8000 के पास जाने के बाद मेरे पास इनकम आई, विश्वास करना मेरा, 20 साल पहले जब इनकम 19 साल पहले जब इनकम आई तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 106 106 रुपए कमीशन सिर्फ, पता नहीं था मेरे को कि कमीशन स्लैब कैसे आएगा, मेरे पास चेक बना 106 रुपए का, अब स्लैब के हिसाब से जो चेक बनना था वो कहीं और चला गया, 106 रुपए का चेक बना, 106 रुपए का चेक बना तो शाम के टाइम तकरीबन 10 बजे मेरा घर पे आना हुआ तो मेरी वाइफ बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही है, मेरे पिताजी आराम से, हम गांव में बोलते गांव में बैठक में बैठे हुए थे तो आराम से बैठे देख रहे हैं, 10 बजे का टाइम मैंने इतनी गई गर्मी का टाइम, जैसे आया तो आते मैडम ने दरवाजा खोला, गेट खोलते अंदर, हाँ जी आया, क्या हुआ, उसने कहा आप जिस कंपनी को आपने ज्वाइनिंग किया है उसका चेक आया, मैंने कहा बढ़िया चेक पहली बार आया तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, उसने कहा खोल के देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ कोई चेक नहीं था, स्टेटमेंट पहले आती थी ना अपने, उसके ऊपर लिखा हुआ 106 106 रुपए कमीशन बना लेकिन ट्रांसफर हुआ नहीं है 106 रुपए, मैंने कहा कोई बात नहीं है, घर वाले देख रहे हैं 7800 रुपए देने के बाद 106 रुपए का चेक बना, बेटा काम तो प्रॉफिट का है, काम कर लेना चाहिए, दोस्तों विश्वास करना, पिताजी ने वो ले रखा था लट, समझ में आया, उसने कहा आज के बाद जाना नहीं है, 106 रुपए का चेक आया था, डायरेक्ट सेलिंग से मेरी पहली कमाई थी, और मैंने चूमा था उसका, एक बात समझिया, पहली कमाई उसको चूमा, कोई बात नहीं, नो डाउट स्लैब का पता नहीं था, और अगर कोई नुकसान हुआ तो आने वाले टाइम में फायदा होगा, मेरे पास प्रोडक्ट है सब कुछ है, इस बिजनेस को सीखता हूँ, दोस्तों मैंने 4500 रुपए के स्कूटर से अपनी शुरुआत करी, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा वापिस वाले में, मैंने जब शुरुआत करी डायर सेलिंग की तो 4500 रुपए का पुराना स्कूटर था, और वो भी मेरा टूटा हुआ स्कूटर था, बीच से वेल्डिंग हो रखा था, वो चलता कम था रुकता ज्यादा था, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं तो सारी चीज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, 4500 रुपए के पुराने स्कूटर से मैंने शुरुआत करी, ये मेरा स्कूटर था, और जब इसकी शुरुआत करी आप बता सकते हो तो मेरे अपलाइन जो थे उन्होंने कहा संजय जी एक दिन की बात है आपका स्कूटर लेके चलेंगे, मैंने कहा सर डन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 10-12 किट ली और गांव में यूरिया डीएपी होता है केमिकल का खाद यूरिया का जो कट्टे आते बोरे आते मैंने उसमें वो किट डाली, गत्ते के डिब्बे डाले ऊपर से उसको बंद किया और मैं बीच में लेकर उसको पीछे वाली सीट पर बैठ गया, मेरा अपलाइन आगे बैठ गया, उसने कहा मैं चलाऊंगा डन, एक गांव में चलेंगे, गांव में ब्रेकर अच्छा था स्पीड ब्रेकर जो होता है गांव में बड़ा ऊंचा ब्रेकर था, तो मैं अपलाइन को बोल रहा अपलाइन 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 हेलो थोड़ा सा धीरे चलाना, बीच से वेल्डिंग हो रखी है, स्पीड ब्रेकर बड़ा है, और गुरुजी ध्यान रखना
और गुरु जी तो एक्साइटेड थे, दस की आपको ज्वाइन कर पारा बड़ा अपनी हो रहा है क्या था? चले गए कि जैसे आया तो मैंने कहा सर भीड़ अप्लाई तो एक्साइटेड जोश के साथ स्पीड और तेज कर दी, रेस और तेज करी तो होना क्या था, मेरे अपलाइन भाई साहब ब्रेकर ऊपर गई, जाने के बाद क्या होगा, बीच से बैंड हो रखा था, मेरे अपलाइन हैंडल को लेकर आगे चले गए संजय यादव। कहानी बता रहा हूँ, वो हैंडल अगली सीट आगे जा रही है, पिछले सीट कहीं और जा रही है, एक हिस्सा कहेंगे एक हिस्सा कहेंगे, जय वो फिर सो गए घर से आ रहे थे, और जिस बोरे में मैं फिर डाल के लेगा था उसी बोरे में इसको डाल के लेके आया। अच्छा घर पे आया तो हालत बुरी थी, रात का 11 बजे का टाइम में आ रहा हूँ, जब ऐसे आ रहा हूँ तो दरवाजा खुला और मैडम ने खोलते ही दरवाजा उठाइए आप ही का इंतजार क्या हुआ, उसने कहा यही कमी बाकी, कपड़े फटे पैर टूटा हुआ है बुरी हालत है, उसने कहा यही कंपनी करने को मिली थी क्या, 106 रुपए का चेक है, पैसा नहीं है, 4 महीने हो गए घूमते घूमते कुछ हो नहीं रहा है, टिकट कभी आप जा रहे हो वहां जा रहे हो, कभी आप दिल्ली जा रहे हो, कभी गुड़गांव जा रहे हो, कभी जींद में जा रहे हो, कभी जयपुर में जा रहे हो, पैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, शुरुआती दौर की अप्लाई ने बोला संजय जी 3 साल, कितने साल, 3 साल, कितने साल, 3 साल, 3 साल रुक जाओ, चले जाएंगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, लोग मना करेंगे, घर वाले साथ नहीं देंगे, घर वाले साथ नहीं देंगे, मैंने कहा ठीक है यार, ये तो साथ दे नहीं रहे, घर वाले मना कर रहे हैं, दोस्त मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, राह चलता इंसान आपके साथ आएगा, ज्वाइनिंग करेगा और एक दिन आपको डायमंड बनाएगा, ये मेरी गारंटी है, गारंटी होगा, मैंने गिरफ्तारी किया, मैंने खरीदी बहुत सारे लोगों को, जब मैंने प्लान दिखा रहा था मना कर दिया, मामा जी मना कर दिया, उसने कहा ए सुने तेरे को गोद में खिलाया, मैंने कहा कि मामा जी बिल्कुल ठीक है, ताऊ जी के पास जा रहा हूँ, मामा जी के पास जा रहा हूँ, दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पागल हो गया पगला गया, कह रहे सारे कुछ कुछ कहने लग रहे हैं, मैंने कहा कोई ज्वाइनिंग नहीं करता सर, उसने कहा मीटिंग में आओ, मैंने कहा मीटिंग में जाता हूँ 100-200 रुपए का चालान करता है, कभी 50 लेते हो कभी 30 लेते हो, आप लोगों को लेके आओ, 10-12 लोगों को लेके आता हूँ, उनकी टिकट लेता हूँ, मीटिंग से बाहर निकलती है, बोलते कौन से रेस्टोरेंट में बैठोगे खाना खिलाओगे, यहाँ भी आए होंगे कुछ ऐसा ही, यस ऑर नो, बाहर निकलते वो पैसा ले जाता हूँ, वो पैसा ले जाता है, अब करूँ क्या, उसने कहा 3 साल, मैंने कहा 50,000 रुपए का तो कुंडा हो लिया, 50,000 तो जा लिए, वो भी कहीं इधर उधर से बुआ जी से सिस्टर से पैसे मांग मूंग के उधार करके लगा दी, काम तो करता नहीं था, इंश्योरेंस का काम था वो भी बंद कर दिया, फुल टाइम इसमें लग गया, 20-19 साल पहले की बात बता रहा हूँ, टूटा हुआ स्कूटर इसमें भी चाहिए, पेट्रोल कई बार बंद हो जाता था, इसको खींच कर लेके आ रहा हूँ, पेट्रोल था नहीं, लोगों से क्या हुआ, मैंने कहा खराब हो गई, खाली बेइज्जती ना हो जाए, जरूरत कैसे बिजनेस करने की, घर वालों ने एक पैसा नहीं दिया, मना कर दिया, पैसा देना नहीं, पैसा दोगे तो ये दोबारा काम करेगा, है ना, इस तरह नहीं कर ली पूरी योजना के साथ पूरी प्लानिंग, मैडम को कह रहे रात को गेट नहीं खोलते, हमारा एक लोहे का गेट बड़ा शानदार पुराना गेट, वो भाई साहब आवाज करता था जैसे खुलता करा अब आवाज कर रहा है, 11:30 बजे में आ रहा हूँ तो रिश्तेदार और भी तैयार बैठे वहां पे गली में उधर, अब वो तैयार है, 11:30 मेरी आदत पुराना स्कूटर सारा सारे सर भी फटा हुआ था, आवाज भी देखते जोर से करता था, अब सारे सर वेल्डिंग कराने के कई बार पैसे नहीं थे, कई बार मेरे को देखा मैं भी भूखा सोया हूँ, मेरे पास भी दस्ताने के लिए हाथ में ग्लव्स के लिए पैसा नहीं होता था, वो भी टाइम मैंने बिताया है, वो भी टाइम मैंने 2000 के अंदर देखा है, भरी सर्दी के अंदर किसी होटल का रुक कर दस्ताने छूट गए तो मैंने पोलोथीन बांध बांध कर ड्रीस डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में इतना जुनून था जब मैंने काम किया, लोग बोलते डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझ नहीं आता, बताऊंगा आज आपको सारी चीजें, जब आता था लेट नाइट तो घर वाले दरवाजा नहीं खोलते थे बाहर ही रहे, अब करूं क्या, दीवार बांध के जाता था कई बार और कई बार गेट को कूद के जाता था, और जब कई बार गेट पे कूदता था तो भाई साहब क्या होता था, वो जैसे पैर रखा तो आवाज तो करेगा ये सुनो एक बार की घटना ही बताओ, पैर रखा एक दूसरा पैर रखा वो उसमें वो थे अब जब वो पैर रखा तो भाई साहब ये अम्मा जोर मार रहा हूँ भाई निकल जा, नहीं निकला 5 मिनट के बाद दोनों जोर मारा, अब संजय यादव की पैंट ऊपर थी मैं नीचे था भाई साहब, ऐसा होता है और उसमें पीछे वाला हिस्सा वो बैच डालते हुए उसमें कुंदे में फंस रहा है, मैं जोर लगा रहा हूँ कोई है नहीं, ज्यादा जोर लगाए तो दिक्कत क्योंकि आवाज कर रहा है, घर वाले देख रहे वो भोंक रहे कुत्ते, मैंने कहा भाई साहब बचना है, स्कूटर बाहर खड़ा है, पता नहीं कैसी कैसी दिक्कत आई,
बैंक भारत में भूखा सोया कई बार, जेब कट की पैसा नहीं था। जलंधर की बात है 2001-2002 में, जब डायरेक्ट शरीफ में जब लोगों के पास जा रहा था, किसी के कॉन्टेक्ट से वहां मिला, जब प्लान दिखाया तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, घर वाले भी रिश्तेदार भी सब बोले कोई काम है। बहुत दिक्कत आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन दोस्त एक सिस्टम बताया, पता था कि 3 साल, पहले साल 50,000 का खर्चा हुआ, दूसरे साल में 2 लाख के नीचे आ गया। मीटिंग में इवेंट में जाता रहा, नॉलेज बढ़ती रही, नॉलेज कम थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई, ज्वाइनिंग हुई, कम नहीं, छोड़ के चले गए, बंद कर दिया लोगों ने, ये सब चले जाए, सब दिक्कत आई, सब तरह की परेशानी आई, लेकिन 3 साल का कमिटमेंट था। और 3 साल के बाद आपको दिखाऊं, 2000 से लेकर 2003 में मैंने गाड़ी खरीदी, गाड़ी परचेज करी। मैं आपको दिखाना चाहूं मेरी पहली कार 80,000 रुपए की कार मैंने परचेज करी, मेरे पास 20,000 रुपए थे, 80,000 रुपए की पुरानी कार, ये चलती कम थी। कैसे, इसका मैं बताऊंगा आपको, ये मैंने पेट्रोल से नहीं चलाई, ये मैंने गैस के सिलेंडर से चलाई। उस जमाने में गैस का सिलेंडर होता था, लगाया और चला दिया। और कई बार तो कहानी बताता हूँ, कई बार मेरे घर वाले मेरी वेट करते, कब आएगा हमारा लल्ला, कैसे सुबह सबसे जल्दी उठता था, रसोई में जाता था, सिलेंडर हटाता था, गाड़ी में लगाता था, निकल जाता था, घर वाले वेट कर रहे, सारा आया नहीं, अब तक वैसे खाना बना रहा है, करेगा एक ही सिलेंडर का, वो सुबह 6 बजे मैं लेके चला गया, पैसा मेरे पास था नहीं, मीटिंग मेरे को करनी जाने दी, अब करूँ क्या, अब घर वाले मारेंगे तो ठीक है, नहीं तो चूल्हे पे बना लेंगे। वेट करते थे, कब आएगा, फोन थे नहीं उस जमाने में, अब वेट कर रहे हैं, घर आते घर वाले सब कुछ तैयार था, सब तरह की कुटाई पिटाई सब सही, बहुत सारी चीजें हुई, होने तो कोई टेंशन नहीं थी, बड़ा करना था। पहली कार खरीदी 80,000 रुपए की थी, कैसे भी करा 2-3 लाख रुपए का खर्चा होगा, फिर भी मेरे सब लोग बोले पागल है, बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने इस बिजनेस को चलाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़े। 3 साल का टाइम दिया है, 3 साल के बाद एक कार आए, 25,000 रुपए इनकम हुई, 25,000 रुपए इनकम होने स्टार्ट हुई, उसके बाद इनकम बढ़ती चलेगी, बिजनेस को देखा समझा, उसके बाद एक कमिटमेंट कर लिया। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते काम नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग में लोग कहते लोग कामयाब नहीं होते। आज के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं हर साल एक नई गाड़ी परचेज करूंगा, और दोस्तों अभी तारी बस्ती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। 10 साल उस कंपनी में लगातार काम किया, पैसा कमाया, 3 लाख रुपए इनकम पे था, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस कंपनी में थे, 700 से ज्यादा पोस्ट उस कंपनी में बनते थे, इंडिया के कोने कोने में सेमिनार और मीटिंग करे, इवेंट करे। वही संजय यादव है जो 106 रुपए का चेक आया था तो मैं भी मीटिंग में पीछे बैठा था, मेरे भाई ने मेरे से एक बात बोली, स्टेज पे जा, स्टेज पे जाके नाम बताओ और चेक बताओ, मैंने मैं नहीं बताऊंगा, इतनी ज्यादा लोगों के बीच में नाम और चेक, मैं घबरा गया, गर्मी का महीना जबरदस्ती मेरे को पीछे से लात मारी, आगे पूछा। और जब ये बात कही तो क्या हुआ, स्टेज पे डरता हुआ गया, चेक बता और नाम बता, चेक है और नाम, मेरा नाम 106 रुपए और चेक संजय यादव, क्योंकि फिर बुलाऊंगा, मैं डरता था स्टेज से, इसको माइक को पकड़ने में ऐसे कांप रहा था, क्या करूं। लेकिन आज के टाइम 10 साल लगातार काम किया, बहुत सारे इवेंट करे, पूरे इंडिया में इवेंट करे, 10,000, 20,000, 50,000 लाख लोगों के, मैंने अपने होम टाउन रेवाड़ी के आसपास मैंने बहुत सारे इवेंट करे, कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम। लेकिन लास्ट एक मोमेंट के ऊपर मैं क्या बता रहा हूं, 11-10.5 साल के बाद उस कंपनी को पता लगा कि 6-7 आदमी के लिए कंपनी को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया, ऑडिट पे भेज दिया, कुछ लेकर कुछ कानून की कार्रवाई हुई, बंद कर दी। 10 साल जिस कंपनी में कैरियर लगाया, पढ़ाई घर वाले बोलते थे नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, मैंने नहीं, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, सपने बड़े थे, ड्रीम बड़े थे, बड़ा करना चाह रहा था। 10 साल लगाने के बाद पता लगा कंपनी बंद होगी, सब कुछ छक गया, गाड़ी फ्लैट
लोन पे चल रहे थे, 3 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा था, लेकिन 3 लाख एक पर आया था, 3.25 लाख हाईएस्ट इनकम, लगभग 1.25 लाख रुपए चल रहा उस कंपनी में। जब 1.25 लाख रुपए इनकम चल रही थी तो किस्त भी निकल रही थी, खर्चे भी बहुत थे, मीटिंग भी थी, इवेंट भी थे, रिवार्ड अवार्ड सब कुछ करने पड़ते थे। 10.5 साल के बाद बंद हुई, समझ में आया सब कुछ चौपट हो गया, कैरियर सत्यानाश खराब। अब मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल के बाद क्या रुका। जब मैंने अपना कैरियर लगाया उसके 4 महीने बाद वेट किया, कंपनी नहीं खुली, मैंने ट्रैक्टर की एजेंसी ओपन कर ली। मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, मेरा एक पार्टनर था, हम दोनों ने मिलकर ट्रैक्टर की एजेंसी ली और ट्रैक्टर की एजेंसी हमने ओपन कर ली, काम करता चला गया आराम में शादी। और ये ट्रैक्टर की एजेंसी मैंने हरियाणा में और मैंने दो जगह मैंने ओपन कर ली है, मैंने ओपन करी। तो लोग बोलते थे यार आप तो डायरेक्ट सेलिंग में आकर आप ही बोलते थे अब इसमें तो पैसा लगता है कंपटीशन। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन करूं क्या, मैंने काम कर लिया। पैसे लग गए थे तकरीबन 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए लगाने के बाद बहुत सारी चीजें थी, मेंटेन हो रहा था मेरे पास। 2 महीने के बाद मेरे एक मित्र का फोन आया जो दिल्ली से है, मिस्टर राज, एक बार चाहूंगा मिस्टर राज के लिए दिल्ली फोन किया, फोन किया कंपनी आई है। मैंने कहा कंपनी का नाम मत लेना, 10 साल हो गए कंपनी करते और आप और मैं उस कंपनी में थे, मेरा लेवल बहुत बड़ा था, सब कुछ तो मैं नहीं करूंगा। उसने कहा एक बार आ जाओ बस, बार बार जिद करी मैं दिल्ली पहुंचा, टैगोर गार्डन ऑफिस होता था। और जब मैं ऑफिस में गया तो पहली बार मैंने वैस्टिज का फोरम भरा, वैस्टिज का 22 मार्च और मैं आया था, मेरी मम्मी को ज्वाइंट पेन था, जोड़ों में दर्द था, जोड़ों के दर्द की वजह से आया कि मेरी मम्मी को सप्लीमेंट आप बताते हो दवाई में ठीक हो जाएगा, मैं उस समय सप्लीमेंट के बारे में नहीं जानता। उसने कहा लीजिए सही हो जाएगी मम्मी, ठीक हो जाएगी, लोनी ग्लूकोजामाइन कैल्शियम 2-4-5-7 चीजें उन्होंने दी। 2860 रुपए का बिल बना, पहली इनवाइस कटी, एलोवेरा फ्री आया, मैं घर पे चला गया, फार्म भरा घर पे चला गया। उस समय धर्मेंद्र मान जी, राजकुमार गिरी जी, रिजवान जी, रिहान जी, ये सारे लोग एक बैठ कर राज के साथ इन्होंने प्लानिंग करी कि हरियाणा में एक संजय यादव है, पुरानी कंपनी में अच्छा लेवल था, बड़ा था, अगर वो आ गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, हरियाणा में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने प्लान देखा समझा, प्लान देखने के बाद मैंने कहा रिजल्ट आएगा तो काम करूंगा और डेफिनेट करूंगा। 2 महीने मैंने वेट किया, घर पे प्रोडक्ट आया, छोटा भाई मेरा वकील साहब घर पे बैठे थे, मम्मी को जब मैंने प्रोडक्ट दिया तो उन्होंने कहा अगर डॉक्टर इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए, अगर आपकी सप्लीमेंट से ठीक होने लगे तो पढ़ने की जरूरत क्या है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक है, जायज सप्लीमेंट्स है, बॉडी में जिस चीज की कमी हो रही है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैल्शियम जो भी है, आज के टाइम में पेस्टिसाइड, केमिकल, यूरिया, डीएपी खाने में ज्यादा आ रहा है, अगर इसको देना स्टार्ट करते हैं तो ठीक हो सकती, मान लीजिए बात। उसने कहा देखे देख लो, दे दिया। 2 महीने के बाद मम्मी ने कहा कि रिजल्ट है 80% आराम है आपके प्रोडक्ट से, जो 3 साल से दे रहा था। इसलिए उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, सब नेक्स्ट चलते उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दीजिए, ये सारा हटा दीजिए उसको, नेक्स्ट वाली में अब मैं काम करना स्टार्ट किया। जब काम करना शुरुआत किया तो 2 महीने के बाद मैंने कहा सर अब करेंगे, रिजल्ट है। मैं दिल्ली एयर ऑफिस आया, दिल्ली एयर ऑफिस आने के बाद मेरे को सिद्धार्थ सर मिले, सिद्धार्थ सर से मिलवाया, बारिश सर से मिलवाया, दीपक सर से मिलवाया, करवर सर से मिलवाया, बैठकर बात हुई, मैंने पुरानी कंपनी के बारे में परिचय दिया, अपने बारे में बताया, सब बताया। उसने कहा 1 साल वेट कर लो, बहुत बड़ा होने वाला है अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो। दोस्तों वहां से गया, 10-12 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया, क्यों समय हरियाणा में कोई सेंटर नहीं था, 10-12 हजार का प्रोडक्ट लिया, टूल कंप्लीट लिया, उसके बाद सीखा, सीडी वीडी सब ली, उसके बाद मैंने काम की शुरुआत करी। जब काम की शुरुआत करी तो पहले महीने का चेक यहां से जो बना था, क्योंकि 2860 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, पहले महीने का चेक भी यहां से बना, कितने रुपए का, 85 रुपीज। एक बार आना सर इसको ले रहने दो, इनकम के ऊपर आना, 85 रुपीज का कितने का, 85 रुपए का चेक बना। जब 85 रुपए का चेक बना तो वही 11:30 बजे का टाइम, वही मेरी वाइफ, वही गेट खुलना, आइए 11:30 बजे का टाइम जब मैं घर पहुंचा तो वाइफ कह रही है मैंने बहुत सारे लोग देखे आप जैसा मैंने कोई नहीं देखा। मैंने कहा बिल्कुल हूं ऐसा, मेरे जैसा बाल तो है नहीं, ऐसे कैसे देखेंगे। उसने कहा मैंने 11 साल पहले एक इंसान का चेक बना था 106 रुपए का, 11 साल के बाद उसी व्यक्ति का चेक बन रहा है 106 रुपए का, नहीं 85 रुपए। दुनिया आगे जाती ऊपर बढ़ती है, नीचे जाती क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहली इनकम आई थी दोस्तों उस दिन भी वेस्टिज की इनकम आई थी, उसको चुमा चुमा चुमा। ये पहली कमाई
दो महीने काम नहीं किया, रिजल्ट का वेट किया, रिजल्ट आने के बाद काम खत्म हुआ, दो महीने के बाद जब ये कमाए तो अगले महीने काम किया और अगले महीने डायरेक्टर नहीं सीधा सिल्वर डायरेक्टर बना, अगले महीने का चेक बना 12,513 रुपए का। ये बात कर रहा हूं आपसे 7 साल पहले की, ये बात कर रहा हूं समय जब समय 35 प्रोडक्ट थे, ये बात कर रहा हूं जब उस समय दिल्ली में भी एक ही ऑफिस था, ये बात कर रहा हूं समय जब हरियाणा में कुछ नहीं था, ये बात कर रहा हूं जब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे, 12-13-14 लाख रुपए लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये बात कर रहा हूं जमाने की। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं कि 85 रुपए का चेक पहला था और दूसरा चेक पहला 12,513 रुपए का, सिद्धार्थ सर का उस समय 18-17 लाख रुपए का चेक था, उस जमाने में सीएनटी के नाम के ऊपर 5-7-10-12-14-15-20 लोग आते थे, सेमिनार तो होते नहीं थे, सेमिनार स्टार्ट हुए थे उस टाइम की बात कर रहा हूं। और जब 12,513 रुपए का दूसरे महीने चेक बना, उसके बाद अगले महीने का काम किया, स्पीड से किया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, पुराना नेटवर्क था, लोगों से जब बात करी तो बहुत सारे लोगों ने मना किया, मैंने कहा नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, 10 साल डायरेक्ट सैलरी को दिए, 10 साल का तजुर्बा था, नॉलेज थी, ज्ञान था कैसे काम करना है। अगले साल का चेक बना 16, अगले महीने का चेक बना 16,551 रुपए, उसके अगले महीने का चेक बना 43,359 रुपए, आपका चेक कितना है 45,000। अपलाइन कौन <laughs> 45,000 अपलाइन कौन ईगो आ गया, भमंड आ गया, 45,000 रुपए का चेक मैंने कहा, मैंने सीएनटी अटेंड किए, नहीं है सब कुछ कर दिया, मैंने जबरदस्ती लोगों को ज्वाइनिंग करा दी, ए 5,000 दे, 2,000 दे, 3,000 दे, ज्वाइनिंग करा, 4,000 मामा जा, सब लोगों को लपेट दिया, दे दिया सबको, पकड़ो 2,000-4,000 रुपए का प्रोडक्ट थी तो है, 10 साल का तजुर्बा था, कंपनी अच्छी आई है, 700 रुपए में ज्वाइनिंग है, जो सामान चाहिए वो ले लीजिए, चाय की पत्ती होती थी, शैंपू होता था, बहुत सारे प्रोडक्ट थे नहीं, मैंने कहा ले लो दे दिए, चेक बन गया 45,000 का चेक बना। अब जिन लोगों को प्रोडक्ट दिया था, सप्लीमेंट दिया था, वो दो महीने के बाद तो, एक महीने दो महीने के बाद तो रिजल्ट आना स्टार्ट होता है, उल्टा सुल्टा दे दिया, पता ही नहीं तो रिजल्ट आना शुरू हुआ, फोन करते भाई क्या हुआ, पेट में दर्द है, दिक्कत क्या है, 3 दिन हो गए बाथरूम में बैठा हूं, टॉयलेट में बैठा हूं, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, क्या होगा, नॉलेज थी नहीं, इसलिए बता रहा हूं आपको, याद था नहीं, अपलाइन दिल्ली बुला रहा, सीएनटी यही होती थी, अरे प्रोडक्ट की जानकारी ले, कब किसको कहां देना है, कैसे देना है, सप्लीमेंट्स है क्या होगा, बॉडी की जरूरत कैसे है, कब देना है, किसको देना है, कैसे रेगुलर देना है, पानी कितना पिलाना है, कितने महीने देना है, और दवाइयों के साथ देना है, तमाम सारी चीजें बताई, मैंने सीखी नहीं, चेक तो पहुंच गया, अगले महीने का चेक क्या होना था, ये इंसान कॉलर ऊपर करके चल रहा था, भाई साहब मैं सब कुछ हूं, अब अगले महीने का चेक आया 1 लाख का, दिखाओ भाई अगले महीने का चेक 972 रुपए का, और जब 972 रुपए का चेक बना तो भाई साहब कुछ हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई अप्लाई कहा, अप्लाई तो फोन बता रहा है, ये फोन सेवा में नहीं है, बंद है, क्यों 900 का चेक है, उस समय अपलाइन की याद आई, अपलाइन की याद आई तो क्या देखा, मैंने कहा बकवास कर रहे नहीं, 962 रुपए का चेक आया 45,000 रुपए से, कैसा बिजनेस है यार, समझ में नहीं आया बिजनेस का, अभी इसका ज्ञान तो लिया नहीं, अगले मिनट टर्नओवर जीरो हो गया, विवेक सक्सेना जी को पता लगा जी, कोई संजय यादव जी, एक बार मैं चाहूंगा विवेक सक्सेना जी के लिए बहुत सारी अचीवमेंट थी, उसने कहा चेक देखा, स्टेटमेंट पढ़ी थी, बहुत सारी, उसने कहा संजय जी अच्छी अचीवमेंट थी, मैंने कहा विवेक सर था तो बहुत कुछ, पर कोई बात नहीं है, प्रवेश का 3 महीने हो गए, ये चेक देखो सिस्टम देखा 962 का आया, हम मुड़ रहे, तो अप्लाई ने बोल दिया संजय जी काम नहीं करेंगे, भाई साहब बड़े अप्लाई को बुलाओ, विवेक सर को फोन किया, घर पहुंचे, बात होने लगी, 4 घंटे लगे,
चार घंटे में बहुत सारी चीज क्लियर करके बिजनेस होगा कैसे, साइड मेंटेन नहीं करी आपने, टर्नओवर का बहुत ज्यादा हुआ कैसे हुआ, अब आपने क्या करना था, नीचे आपके दो तीन लेग और आ गए, डायरेक्टर बन गए, अब आपका लेवल क्या होना था, तो मेरे को तो पता ही नहीं था, अपने सारा प्लान समझाया क्लियर किया। जब सारे प्लान हुआ सब कुछ हुआ तो मैंने कहा सर डन, आज के बाद कसम खाली, आज के बाद अपने होम टाउन में आपको तभी बुलाऊंगा जब मेरा चेक 1 लाख का होगा। और दोस्त अगले महीने का चेक मैं आपको दिखाऊंगा, राइट 7 महीने के बाद 962 चेक पहुंचा था 1 लाख। समाधि मिलता था दिल्ली से, मैं सामान लेके आता था, मेट्रो में लेके आता, मेट्रो में रखता 2-4, 3-4 पेटी डब्बे सर में रखता, घर लेके जाता, गाड़ी में रखता, उसके बाद लोगों को देता, फॉर्म भरता 2-3-4 दिन के बाद फॉर्म लेके आता, फिर वापिस आता, फिर जमा करता, उसके बाद जमा करने के बाद इनवाइस कटवाता, फिर उनको सामान देता। वो टाइम था अगर यहाँ से मैं दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से रास्ता निकल गया तो 1 ही हफ्ता लग जाता था सामान आने में, सामान देने में, पहले 20-30-50 हजार रुपए का सामान का स्टॉक रखता था। वो टाइम था 7 साल पहले, और जब ये पहुंचा 7 महीने के बाद 98,000। अब सारी डिटेल क्या बताऊं, लास्ट महीने का चेक बता देता हूं, जो मेरा लास्ट महीने हाईएस्ट चेक बनाया वो बनाया मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है 16,45,000। कोई औकात नहीं, कोई इतना बड़ा काम नहीं कहता, लेकिन 7 साल पहले मैंने डिसीजन लिया, 7 साल पहले मैंने काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग यहां पे आते हैं, बाबा करते ताली बजाए बढ़िया लगा, लेकिन मैंने इसको सीरियस किया। पहले दिन से समझ लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आप चाहते हो सब कुछ मिल सकता है, जो आपके ड्रीम है सब आपको फुलफिल करके देगा, सारी चीज आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग, इतना दिमाग नॉलेज है होनी चाहिए, कहते ना पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश, कुछ लोगों में नॉलेज है लेकिन कॉमन सेंस के नाम के ऊपर छोटी सी बात भी जब पूछी जाती बोली जाती है तो 1% भी नॉलेज नहीं है। एक कहानी सुनाना चाहूं, सुनना चाहोगे? यस। आवाज नहीं है, सुनना चाहोगे? यस। दो मिनट देखिए, बचपन के दोस्त पढ़े, एक ज्यादा पढ़ गया, एक थोड़ा सा कम पढ़ा, 5वीं 6वीं क्लास पढ़ा, एक विदेश पढ़ के आया, दोनों एक दिन दोनों मित्र बैठे थे, दोनों में बातचीत होने लगी, मामला तय हुआ। एक मित्र ने कहा भाई तेरे पास बहुत सारी डिग्री और नॉलेज है, उसने कहा बिल्कुल है भाई, तो यार मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तेरे से। उसने कहा पूछ लेना। तो उसने कहा तू तो 5वीं पास है, तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। उसने कहा वो ठीक है, देश की, जमाने की, संसार की, सब किसी की बातें की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा ठीक है, जानता तो मैं भी हूं। तो उसने कहा कैसे बात बनेगी, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठे हुए गांव वाले, उससे पूछा गया क्यों इकट्ठा किया, उसने कहा ये 5वीं पास है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, जो नॉलेज मेरे को ज्यादा है। उसने कहा ये कह रहा मेरे को ज्यादा है, तो एक काम करो दोनों में शर्त लगा लो, मामला तय हो गया। 5वीं पास आदमी ने कहा भाई मेरी औकात तो 5 रुपए की है, मैं तो सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो 5 रुपए दे सकता हूं। एक इंसान और था जिसके पास अच्छी नॉलेज थी, उसने कहा पढ़ा लिखा कितना था, उसने कहा मैं तो 100 रुपए की औकात है, 100 रुपए दे सकता हूं। उसने कहा डन, मामला तय हुआ। सवाल पूछा गया 5वीं पास इंसान से, गांव सामने बैठा हुआ था, सवाल करो जी। उसने कहा हमारा देश आजाद कब हुआ, उसने कहा भाई मेरे को नहीं पता, ध्यान नहीं मेरे को, तो मैंने इतनी किताब में पढ़ा भी नहीं, ना बताने के कितने पैसे देने थे, 5 रुपए निकाले और दे दी। दूसरा सवाल किया देश आजाद हुआ तो आजाद कराने वाले मुख्य लोग कौन कौन थे, उसने कहा सर मेरे को तो ये भी नहीं पता, 5 रुपए निकाले और दे दिए। तीसरा सवाल फिर किया, ये बताओ सर 1857 की जो युद्ध हुआ क्रांति उसका कारण क्या था, उसने कहा ये भी नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाले और दे दिया। 15 रुपए हार कर बैठ गया। गांव वाले बोले कुछ नहीं यार, हम पहले बोलते थे भाई 5वीं पास है, ये पढ़ा लिखा है भाई। उसने कहा एक सवाल करूंगा, अब 15 रुपए हार गए, एक सवाल पूछा गया भाई एक सवाल बता। उसने कहा बोल पूछ। उसने कहा एक ऐसे पक्षी का नाम बता जिसका एक पैर आसमान में रहता हो दूसरा जमीन में रहता हो। अब वो कह रहा है यार मैं तो सब कुछ पढ़ा यार, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, मलेशिया, कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, चाइना, टर्की, सब पढ़ के आया, लेकिन यार कभी मैंने इस पक्षी का नाम सुना ही नहीं किताब में। तो उसने कहा नहीं पता। नहीं बताने के कितने देने, कितने दिन, 100 रुपए देने थे। अब 100 रुपए की बात आई, 100 रुपए निकाल के दिए, जब दिए तो गांव वालों ने ताली बजाई, माला डाली, ढोल नगाड़े, और ताली बजाने के बाद उसको कंधे पर बैठाया और जब बाहर लेके जाने लगे 85 रुपए जीत कर वो इंसान लेगा 5वीं पास, तो पीछे से उस व्यक्ति ने उसके ऊपर कंधे पे हाथ रखा, भाई उस पक्षी का नाम तो बता। उसने कहा मेरे को नहीं पता, 5 रुपए का नोट निकाला। ना बताने के कितने देने, समझिए इतना दिमाग थोड़ी लगाना, दिमाग लगाया। अरे मैंने भी दिमाग में लगाया, मेरे साथ बहुत
सारे लोग आए, बहुत सारे लेक्चर, बुरा मत मानना कोई बैठा हो तो, बहुत सारे लोग थे जो साथ पढ़ते थे, उन लोगों ने कहा संजय जी भी कोई काम है यार, मेरे खुद के भाई ने कहा नाक कटवा दी मेरी नाक, मेरे को भाई कहने में, मैंने कहा कितनी कटी, इतने में सारी कटवा ले, काम तो ये करूंगा मैं। सुनिए, बोला आप अच्छे खानदान से हो, जमीन जायदाद ठीक ठाक है, पिताजी सरकारी नौकरी में, चाचा जी भी, ताऊ जी भी, सब कुछ है, पढ़े लिखे है, और तू ये काम करा है, ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, वो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर साबुन लगाकर तेल बेचकर अगर चाय पीकर 16.5 लाख रुपए आ सकते तो बेच लेना चाहिए, बुराई क्या है। अरे बहुत सारे आप भाभी लोग चाय पीते हैं, मैं भी चाय पीता हूँ, आपकी चाय में चम्मच निकलती है, कप निकलते हैं, बाल्टी निकलती है, आया ना मेरी चाय में ऑडियो जगवार निकलती है, तो चाय कौन सी पीनी चाहिए। छोटा सा काम किया था, कितने पैसे दे दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे कितने पैसे आगे, 4 करोड़ रुपया, और 4 करोड़ रुपए मात्र चाय बदलकर साबुन बदलकर। मैं भी अगर बैठा बीच में, अगर आज दिमाग लगाता कि क्या करना है, आप मैं नहीं करूंगा, आज जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग किया था छोड़ दिया, बंद कर दिया, नहीं यार कुछ नहीं होता, लोगों के पास जाते लोग मना करते हैं, और ये बोलते ये भी कोई काम है यार, आज वो लोग वही है, वही पुरानी बाइक, वही पुरानी स्कूटर है, आज संजय यादव होडी में भी चला है। मैंने जब इसको शुरुआत करी तो मेरे पास क्या था, पुराना स्कूटर का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 4,500 रुपए के स्कूटर से आपका भाई आज 1.25 करोड़ की गाड़ी में चलता है, ये पावर दिए कोई जानता नहीं था। 4,500 रुपए का स्कूटर, वो भी टूटा हुआ, ब्रांडिंग हुआ पुराना, हम टेंडर बोलते सर 19 साल लगे, अरे 19 साल लगे 10 साल कंपनी को दिए, 7 साल वेस्टिज को दिए, और 7 साल के दौरान वेस्टिज के अंदर इतने कंप्यूटर ढूंढते हुए भी आज यहां तक पहुंचा हूं। आपके पास तो बहुत बड़ा मौका है, आपके पास तो कैसी अपॉर्चुनिटी है, आपके पास तो क्या छपाई है, आपके पास तो तमाम सारी चीजें, एक इतना चमाओल है। उसके बाद मैं घटके देता हूँ, संजय साल को, संजय यादव को 7 साल लगे, आपको 1 साल लगे, अगर 1 साल पहली कार वापिस आना सर, मेरी पहली कार 5.5-6 लाख रुपए की कार मैंने खरीदी, वेस्टिज के कारपेट से मैंने कार खरीदी, 5.5 लाख रुपए दिए, कार आ गई, शुरुआत करी, छोटी गाड़ी थी, बिजनेस किया, दूसरी मेरी कार 8.5 लाख रुपए की चेवरले की सेल, दूसरी कार खरीदी, मैंने कहा कार का शौक था, तीसरी कार मैंने खरीदी अभी, मेरा बेटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर रहा है, अभी फाइनल है, पुरानी लगा रखी, पढ़ रहा है, वेस्टिज के अंदर गोल्ड डायरेक्टर, उसने कहा मेरे को भी गाड़ी चाहिए, गोल्ड डायरेक्टर है, रेगुलर से 45,000, 47,000, 43,000, 42,000, ये चेक चल रहा है, और गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे शायद अभी आया नहीं, वो कह रहा था दिनेश कदम जी ने सेमिनार रखा है, मेरे को भी जाना था, मैंने कहा कोई बात नहीं, टाइम मिले तो देख लेना आपकी टीम हो, आज इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी भी 19-20 साल की उम्र, मेरी भी 19 साल की उम्र थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, समझिए आप तीसरी गाड़ी परचेज करी, चौथी गाड़ी 3.5 साल पहले परचेज करी, नेक्स्ट गाड़ी में दिखाना चाहूंगा आपको, ये गाड़ी आई 27 तारीख को, आप कहते लोग चाय मोड़ी आ रही, इसके बाद मैंने दूसरी गाड़ी परचेज की 2015-2018 में, मैंने दूसरी गाड़ियां मिली, लोग बोलते थे सर क्या कर रहे हो आप, इस गाड़ी को दोगे क्या, मैंने कहा देने किस लिए, वैसे पैसा ही कर दे रही हर महीने, नेक्स्ट आगे दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट आगे ये गाड़ी मैंने जगवा ली, भाग करी आप जाके देखिए, 1,08,500 कुछ का ये गाड़ी बाहर है, FS जिंदगी में टीम बनाया था आज से 20 साल पहले कि मेरे पास भी 1 करोड़ की गाड़ी होगी, जिस इंसान ने यहां स्टेज पर आने के बाद बता दी कि बहुत सारे लोगों ने यहां खुद के चार्टर प्लेन लिए, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट आईलैंड है, मैंने कहा एक दिन मैं भी लूंगा, एक दिन गाड़ी का दिन बना, जितनी गाड़ी का जगह रोया था रात को कि 20 साल पुराना सपना पूरा हो रहा है, 20 साल पुरानी मैंने कहा सपना से एक साबुन एक कपड़े धोने वाली एक ऐसे प्रोडक्ट यूज करते 1 करोड़ की गाड़ियां, अरे किसकी औकात थी, आज बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे, मेरी तो औकात नहीं थी, यहाँ भले मेरे पिताजी सरकारी नौकरी थे, मैं साइकिल पर मैंने पढ़ाई करी है, मैं कच्चे रास्ते में जाकर पढ़ाई करी है, मैं पैदल में गया हूँ, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई करी है, अरे मैंने देखा, मैंने इस इंडस्ट्री में जिया हूँ, मैंने एक एक टाइम को देखा है, मिट्टी में मिलकर काम किया है, मैंने 60 घंटे पैर से जूते नहीं निकाले,
वो भी टाइम था, मेरे पेट में दर्द होने लगता था, मैंने 12-12, 14-14 मीटिंग लगातार करी, लोग बोलते थे पागल आदमी, मेरे को 104 डिग्री बुखार में मैंने वेन में इंजेक्शन लगवा के मैंने तब मीटिंग की हुई। लोग बोलते यार ये बिजनेस है, क्या देगा ये बिजनेस, ये बिजनेस ये देगा, लेकिन भाई मैं बात बोलना चाहूंगा, आज कितने भी लोग यहाँ बैठे ठान के जा रहा और ठाना जाता है नाभी से, जिस इंसान ने ऐसा ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए आपके पास साथ दे या ना दे, और एक मिले या ना मिले, कोई कुछ भी करे, अगर आज आपने 3 साल कमिटमेंट कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं 3 साल के बाद आपके पास ओडी जगवार नहीं, आपका चोपर होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो ड्रीम अगला सबको पता है, और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं कि आज का नाम संजय नहीं, इसको दूर का दिखाई देता है, ये बोलता भी है, लेकिन जो ये बोलता है जो ठान लेता है उसको करके रहता है ना, सबको पता नहीं करना है। ये टकटक मत बजाओ, अपने लिए बजाओ तो ढंग से बजाओ, मेरे लिए मत बजाओ, कितने लोगों का एग्जांपल आपके बीच में, दिनेश कदम की टीम से लेकर ये सारी लीडरशिप आगे बैठी, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल रिकॉर्ड बना दिए पूरे इंडिया में, आज तक किसी बड़ी बड़ी एमएलएम, बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियां सोच रुपए मजबूर हो रही कि वैश्विक के अंदर इतने कम उम्र में बच्चे 2 लाख से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 13-13 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, वैश्विक का मार्केटिंग प्लान दुनिया का नंबर 1 प्लान है, आया ना ऐसा प्लान आपको देखा है। संजय यादव में तो टैलेंट उतना था, कैपेसिटी काम करने की क्षमता उतनी थी, आज भी 60 घंटे खड़ा रहता हूं, उस जमाने में भी रहता था, लेकिन 10 साल जिस कंपनी में लगाए 2-3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं पहुंच पाया, मात्र 7 साल में 17 लाख में पहुंच गया, 7 साल में ओडियो जगवार आ गई, और 10 साल के अंदर चोपर भी आ जाएगा 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, आया ना, क्यों बता रहा सुनिए। लेकिन जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, जब मैं घर से निकलता था दूसरे का टाई बांध के निकल रहा है, मेरा नाम लोगों ने वैश्विक जा रही है, रकम क्या होता है, लोग बोलते थे ये बनेगा करोड़पति, मैंने कहा कोई बात नहीं है, लोग पागल बोलते थे यार, बिल्कुल ठीक है, आई एम मैड यार बट नॉट अ स्टूपिड, पागल बेकूफ नहीं हूं, अगर बेकूफ बनने में सत्ता लगाए तो भाई साहब कमरे भर रहे कीमत के साथ ऊपर मैंने बताया, मैंने वो टाइम भी देखा जब मैं भूखा सोया प्लेटफॉर्म, मैंने 12-12 मीटिंग 104 डिग्री बुखार में, लोग बोलते थे पागल है मर जाएगा, मैंने कहा कमिटमेंट कर लिया डॉक्टर साहब लगा दो इंजेक्शन, मीटिंग करूंगा, 20-20 घंटे पैर से जूते नहीं निकल रहे, पलंग पे ऐसे ही पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग थी, अगले दिन फिर गाड़ी 2500 किलोमीटर गाड़ी, लोग बोले यार पागल इंसान है 2500 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, 3 दिन हो गए, मैंने कहा यार टारगेट बढ़े कुछ हो जाए, लोगों ने मेरे को इतने ताने मारे, ऐसी ऐसी बात मेरे को कही, आज सबका सामने आपको बात कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा कि ये काम, ऐसा सब कुछ सुनने को मिला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोगों ने बदनाम किया, ये कंपनियां ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे लोग क्या हुआ, आज आपका भाई कहना नहीं चाहिए, मैंने पिछले महीने का आईएएस एग्जाम बना तो मैंने सरकार को जीएसटी जो पे किया है 2,98,400 मैंने जीएसटी पे किया, तो इंसान पहली बार आया यहाँ पे, फर्स्ट टाइम पहली बार कोई आया हो तो पहली बार एक इंसान आ जाओ, एक कोई भी एक बार पहली बार आया एक इंसान आ जाए, आगे से आ जाए जल्दी करके फास्ट, एक बार ताली बजाने के लिए बताइए, दोनों बताइए कितने रुपए का चेक है, 15
8 लाख। ये तो अकाउंट में आए, इससे ऊपर देखो। 8 लाख, इससे ऊपर देखो जी। 16, हाँ जी, ये वाला चेक देखो। टोटल पे, टोटल पे कितने कितने लिखे? 16,45,000। देख रहे जी, 16,47,000। मेरे को दिखा रहे क्या आया, 1,25,000, 10,00,000, 10,00,000। मैंने कहा रुक जा, दिखाऊंगा और चीज दिखाता हूँ। एक गजब की बात मैडम, ये देखिए जीएसटी पे किया है मैंने अभी, ये लिखा हुआ है जीएसटी कितना, देखो 2,98,400। मैंने 2,98,400 संजय यादव की तो औकात नहीं थी 98 रुपए की। और आज अगर 18% में जीएसटी दे रहा हूँ इनकम का, व्हाइट मनी एक नंबर का, कौन चाहता था जी मेरे को? मैं भी आपकी तरह इसी भेड़ में बैठा था, लेकिन कसम खाई थी, ठान लिया था चाहे कुछ हो जाए बड़ा करना है। मैं यहां जाके आराम से नहीं बैठा, यहां से निकल के बाहर मैंने प्लान पे प्लान दिखाया, प्लान पे प्लान दिखाया, प्लान पे प्लान दिखाया। गर्मी थी, बारिश थी, सर्दी थी, पसीना ऊपर से नीचे तक आता था। लोग बोलते थे क्या फायदा इसे पैसे का, तो घर में नहीं रहता, किसी प्रोग्राम में नहीं आता। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, 2 दिन कह लोगे, 4 दिन कह लोगे। दोस्तों सिस्टर को 5 रुपए देने की औकात नहीं थी, आज जब सिस्टर के पास जाता हूँ तो 50,000 रुपए लेकर आता हूँ, इतनी औकात। लोग कई बार बोलते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे यार अपनी स्टोरी बता रहे हो, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या स्टोरी थी, हकीकत है जो कुछ हो रहा है। पैसा ही नहीं था यार, आज के टाइम में जिस इंसान के पास 200 रुपए की शर्ट नीचे होती थी, आज वो इंसान आपके सामने 25,000 रुपए का कोट भी डाल देता, पावर किसकी है, डायरेक्ट चली थी। आज वो 22,000 रुपए के जूते भी पहन रहा है, आज वो 1.25 करोड़ की गाड़ी में चलता है, आज वो 1.25 लाख की घड़ी भी बांध रहा है। मेरी तो बात नहीं थी, अरे कोई जानता नहीं था मेरे को, लेकिन आज पूरे इंडिया में जाना जाता है। आज वो भी मैं लाइन लग जाती, किस लिए? 7 साल से कोई इंसान जानता नहीं था। संजय जी एक ऑटोग्राफ, एक फोटोग्राफ। मैंने कहा यार कमाल का है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वाकई में एक बात बताऊंगा, अगले 5 साल अगर किसी कोई दिक्कत नहीं, आप गांव से हो शहर से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छोटे हो बड़े हो, कम पढ़े लिखे हो ज्यादा पढ़े लिखे हो, बट एक ही बात ध्यान रखना, जिसके अंदर कमिटमेंट है ना, ठान लिया ना। और मैंने कहा ठाना कहां से जाता, कहां से ठान के जाना। संजय यादव की ऐसी की तैसी 16 लाख नहीं 32 लाख रुपए करके दिखाऊंगा, और अगले दिन करके दिखाऊंगा। बोल सकते हो, कर सकते हो, बता रहा हूं। और लोग आएंगे कहेंगे आपके साथ क्या यार क्या कर रहे हो, हम करके दिखाएंगे। संजय यादव तू ताली बजाएगा मेरे लिए, मैं चाहता हूं ये कितने लोग चाहते यार, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कुछ लोग तो ऐसे करेंगे हाँ दे दे मिल रहा है, चाहते हो तुम लोग हाथ खड़े करो, दिनेश पर फोटो खींचना है बड़ी ईमानदारी से। कुछ लोग तो ऐसे आए चमन नहीं मिल जाए तो ठीक है वो भी ले जाएंगे, पहले होते थे 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा आया ना, एक इंसान को तो 20 लाख चाहिए, ऊपर खड़ा होगा भाई चाहिए चाहिए। अरे आपके अप्लाई, अरे खड़े आपको भाई, अब 5 मिनट के लिए जब तक मैं कहूँ खड़े रखना है, यही है। जब मैं 7 घंटे पैर से जूता नहीं लगा था, मैं पैर पे खड़ा हूँ तक ठीक है, डन। तो सबको बताया संजय जी खड़े इंसान है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वाले चलते। मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने फॉरेन ट्रिप भी किए, मैंने डोमेस्टिक भी ट्रिप किए, मैं आपको दिखाना चाहूँ डोमेस्टिक। आप कहोगे पैसा कमा रहे हो, काम कब किया? मैंने ट्रिक से काम नहीं किया, मैंने टेक्निक से काम किया, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, कैसे काम करना पड़ेगा, कैसे अपलाइन को प्रमोट करना था, कैसे अपलाइन की बात को मानना था, कैसे सेमिनार में लोगों को बैठाता था, कितने ज्यादा लोगों को लेकर आता था वो आपके अपलाइन, ये सारे एसबी थी सक्सेस बाय चॉइस। सिद्धार्थ सर एक बार चाहूंगा, सिद्धार्थ सर के लिए बिल्कुल प्रोग्राम सिद्धार्थ ने बड़ा प्रोग्राम किया, शिमला गए उसके बाद में शिमला देहरादून मसूरी, उसके बाद मैंने जयपुर बहुत सारे प्रोग्राम, धर्मेंद्र मान साहब हमारे बीच में, एक बार चाहूंगा उनके आपके सबके अप्लाई यार।
चेयरमैन ये सारे प्रोग्राम इतने और ये टिप पे जाते 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 मैंने कहा इतने डोमेस्टिक ट्रिप हर महीने करता हूँ, टीम को लेकर जाता हूँ, बहुत सारी नॉलेज जो भी कुछ ही है वो वहां जाने के बाद है कि अल्लाह में चाहते हैं एंजॉय फन साथ में एजुकेशन लाइक चलते रहिए। अब आपके साथ आपके अपलाइन में मिस्टर शिवम, तनुर, दिनेश और बहुत सारे धीमान, कितने लोग ऐसे हैं जो आज आपके सीनियर्स हैं या आपके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी इस बिजनेस को सीखा, समझा, देखा, इवेंट को प्रमोट किया, इवेंट में गए, इस तरह के प्रोग्राम में आए, बिजनेस को बिल्ड कर लिया। यस और नो? आवाज नहीं आई यस। तो आप भी जाना चाहेंगे? आप भी लाइफ जीना चाहेंगे? आप भी ऐसी जगह जाना चाहेंगे? देखा नहीं यार कहाँ बोटर फिल्म, कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ शूटिंग हो रही है, कहाँ कैमरा, कहाँ राइडिंग, कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ बैलून, मजा आया लाइफ का यार, पैसे तो कमाए, साथ में इज्जत मिली, सम्मान मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, पर इतना फन, इतनी जिंदगी में जो सोचा नहीं था वो सब कुछ मिला। ऋषि राजपूत जी को देखिए यार, 60 साल की उम्र में आज धन कर रहे हैं, बड़ा इजाज। अब जैसलमेर के मेरे साथ में जिमपुर बैठे हैं, जयपुर में, देहरादून है, मसूरी है, मनाली है, और अभी आपके अपलाइन ने बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रखी है, मैं तो देखता रहता हूँ। एक बार चाहूंगा दिनेश कदम के लिए जिन्होंने आपके लिए कभी इधर का दिल, कभी उधर का दिल, आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके टाइम होता है, आपको सिर्फ एक एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले, बाहर हाउसिंग पे जाने के बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, थोड़ा सा पास कर दीजिए सर, नेक्स्ट दूसरे फोरन टिप ले लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैंने इस बिजनेस को सीखा, गाड़ी मिली, पैसा आया, सब कुछ मिला। एक बात और बता दूं, आज से 7 साल पहले जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी तो मैं 20 लाख के घर में रहता था, मेरे पिताजी ने बनाया उसी में रहता था। आज आपका भाई 20 लाख के घर में नहीं रहता, अभी मेरा घर बनके तैयार हुआ है जिसमें एक होम थिएटर है, एक बढ़िया शानदार जिम है जिसके अंदर एक बलग शानदार 3-3, 4-4 बेडरूम है, आपको हो गया 4 मंजिल का घर बनाया और 2 करोड़ रुपए की लागत से घर बनाया। अभी से पहले कंप्लीट हुआ है और मैंने एक बढ़िया सा एक बगीचा आपको शानदार पूरा उसमें गाड़ी के लिए 4-4, 5-5 पार्किंग, आप कभी आएंगे देखेंगे 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां आराम से खड़ी होती है, एक लोन अलग बनवाया है आपको, यार मजा आ गया। मैं जो सोच रहा था कि इस तरह का बने तो आप खुद आप फील करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं था मेरे पास, 19 साल से ड्रीम था, सपना था, करना चाहता था, बहुत सारे ताने मारे मैंने, सब कुछ है, बहुत लोग साथ छोड़ के चले गए, कोई टेंशन नहीं थी, बड़ा करना चाहता था, कहते जब चाहते ना पूरी कारियां देना शुरू करती है। ये मेरा पहला ट्रिप था, चाइना, तुर्की, इस्तांबुल, थाईलैंड, बैंकॉक, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, लंदन, इस्तांबुल, वियतनाम, मैंने 14 कंट्री होके आया, वर्सेस की बदौलत कोई पावर नहीं मेरी, क्या कर रहा है ये एक भी आपके बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट थे ये बात कर रहे हैं आपके टीम में शिवम, दिनेश, तमन्ना, स्वर्ण, इसके साथ में मैं सारे चलते रहे, ये सारी चीजें कहीं देखा भी नहीं था, 5-7 स्टार होटल का सपना, आप लोग 7 स्टार में चाहते हैं जाना? यस, लेकिन लोग चाहते चाहते हो थान के जाना पड़ेगा, थान सकते हो सारी चीज में नहीं, आपको डोमेस्टिक हर महीने टीम लेके गया और उसके बाद अभी डोमेस्टिक मैंने कहा इतने किए, उसके बाद फॉरेन ट्रिप करें, आज घर पे बनाया तकरीबन 2 करोड़ का, आज गाड़ी भी आई 1 करोड़ की, दूसरी 50 लाख की भी आई, आज प्रॉपर्टी भी खरीदी, 14 फॉरेन ट्रिप भी किए हैं, आज लाइफ स्टाइल बदल गया है, बात करने का अंदाज, था नहीं कुछ भी, 200 रुपए की शर्ट पहनने में दिक्कत थी मेरे भाई, स्कूटर टूटा हुआ था, बेल्ट के पैसे नहीं थे, तेल के पैसे नहीं होते थे कई बार, वो टाइम भी दिखे मैंने, भूखा सोया हूं, पैसे नहीं है, जेब कट गई, गरज के लिए पैसा नहीं था, दस्ताने हाथ डालने के लिए पिताजी पैसा देता नहीं था, मत दो इसको फिर वही काम करेगा, आज मेरा वही भाई जो बात बोलता था ना कटवा दी, आज मेरा भाई बोलता है मुझे गर्व होता है तेरे को भाई कहने में, सबसे बड़ी गाड़ी आज के शहर में मैं रहता हूं, सबसे बड़ी गाड़ी आज अपने शहर में रहता हूं, क्या हुआ क्या हुआ कि 7 साल पहले लोगों ने ना किया, क्या बड़ी बात की लोगों ने ताने मारे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को करना था और मैंने एक ही ठान लिया था कुछ हो जाए मेरे को करना है, हजारों लोग मना कर दे आज कोई साथ दे ना दे, और जब बोला था करके दिखाया, दिसंबर में बोला था कि जगवार आएगी, दोस्तों दिसंबर नहीं मैं उसको अगस्त में लेके आया, और एक और टारगेट, एक और ड्रीम, नेक्स्ट आगे चाहूंगा नेक्स्ट आगे, इसको छोड़ दो यार बहुत सारी चीजें ऐसी, आज क्या दिखाऊंगा आपको फॉरेन ट्रिप के बारे में, पर एक ड्रीम के बारे में जरूर बात करूंगा आपसे, जो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है, इस महीने का पहला, इसी महीने का चेक, पहली बार आपको बता दूं सबके सामने, इस महीने का चेक 21 लाख को क्रॉस हो रहा है, इस महीने का नया साल दिल खोल के
दूसरी बात बोलता नहीं करता हूँ, एक कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ पूरी टीम के साथ, सिस्टम के साथ कि एक बार जो ठान लिया पूरा करना है, चाहे कुछ हो जाए, गर्दन कट जाए पीछे नहीं मुड़ना। फिर उसी तरह की प्लानिंग, मैंने कहा ट्रिक नहीं तकनीक। 2021 एक टारगेट नेक्स्ट ड्रीम की वन सीआर आज सिद्धार्थ का चेक 1 करोड़ टारगेट बना लिया, कुछ हो जाए 2 साल के बाद जुलाई चेक बनेगा, इससे पहले करूंगा, बाद की बात छोड़ दो। मेरा अगला टारगेट है 27 जुलाई 2021 क्या 1 करोड़ को हल्के मत लीजिए। जैसी के अंदर 5,000 रुपए कमाना मुश्किल है, 5,000 रुपए कमाना मुश्किल है, 5 लाख कमाना मुश्किल नहीं है। जब आपकी टीम बन जाती है, जब आपका टीम बन जाता है, उसके साथ चेक क्या करेंगे? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि माने मिट्टी में मिलकर काम किया। माई घर मैं जानता हूं, मैं जिस कंपनी में 10 साल काम करने के बाद में जब वापिस आया तो लोगों ने कहा बहुत बड़ा लेवल है तेरा, दोबारा काम कर लेगा। मैंने कहा सपने है तो करूंगा, और दोस्तों मैंने दोबारा मिट्टी में मिलकर काम किया, दोबारा एक आदमी को जाके प्लान दिखा, दोबारा मैं भूखा सोया, दोबारा मैं भूखा रहा, दोबारा मैंने वही हार्डवर्क किया, दोबारा वैसे ही पसीने आए, वैसे ही बारिश धूप गर्मी सब सही। मैंने लोग बोलते थे सब कुछ ऐसी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आज गर्मी लगेगी एक दिन वो आएगा साला टॉयलेट में भी ऐसी होगा, और आज वही एक आपका माँ बाप की बराबर गलत नहीं कह रहा है, टारगेट बनाया था, कसम खाई थी कुछ हो जाए, बना दो जो मेरा ड्रीम आपको बता रहा हूं। ऐसे महापुरुष मेरे को रोज बैठे होंगे इस मौन में भी देखता हूं मैं, चल तेरी कंपनी को देख के आता हूँ, रोज कंपनी कंपनी करता है, चेक आते भी है दिखाते भी है लोग ऐसे ही है। मैंने कहा भाई बोलता नहीं करता हूं, और जो ठान लिया पूरा करना है। 2022 तेरे दिन वो टाइम आएगा, आपका भाई यही चोपड़ में मीटिंग करने आएगा, सेमिनार करने आएगा, इसको मानो या ना मानो, हम को क्या वीडियो है निकालो, चाहे तो फैसला नहीं हो कभी करना है, आप ध्यान नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, मेरे को करना है, जल्दी निकला हरियाणा जाऊंगा, नहीं करे राजस्थान में जाऊंगा, एमपी में जाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाऊंगा, क्योंकि ड्रीम किसका है, ड्रीम किसका है। लोग बोलते हैं सर अपलाइन सर डाउनलाइन सर प्रोडक्ट सर कंपनी सर शिकायत, काय अपलाइन क्या करना था, अरे ड्रीम मेरा टारगेट मेरा काम मैंने करना था, सिस्टम मेरा था, सब कुछ मैंने समझा, मैंने सीखा समझा काम किया मेहनत करी, टारगेट मेरा था, ड्रीम मेरा था, मैं करना चाहता तब पूरे हुए, दूसरे के ऊपर पूरे नहीं होते। जिसे ठान के जाओगे ना कि आज के बाद कसम खा ली, हॉल से निकलने के बाद आज कमिटमेंट करता हूं, कसम है कि आज जाने के बाद आज लिखो बनाओ टारगेट आज के बाद। यार संजय यार ने जो बोला था नहीं पता, लेकिन बिजनेस मेरा तो मैं बड़ा करके दिखाऊं, तैयार हो? यस और तैयार हो, तैयार हो ना? यस दिनेश एक बार फिर फोटो मार रहा है ईमानदारी से, बिट्टा मारना की कसम अगर किसी ने झूठ बोला हाथ ऊपर खड़े करो अच्छे से करना, तैयार हो? यस कितने लोग हैं मैं बात बोल, अरे ऊपर आ दे ले, तैयार हो ना? यस एक बार ठान लेना भी आपका टाइम है कि अगली बार कुछ हो जाए, संजय यादव जी जो बोला है ना, अगली बार ये स्टेज मेरी होगी और दुनिया मेरे लिए ताली बजानी होगी, आज कमिटमेंट कर रहा हूं।